कैटेगरी ऑलमोस्ट यहाँ पे पहले ही डिफाइन तीन कर दी है, सोर्स भी एक दो डिफाइन कर देते हैं और फिर इसको बस ख़त्म करते हैं। सोर्स यहाँ से सबसे पहले वाले में से मैं ले लेता हूँ और बस उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है इस पे। ये URI डेली मेल, ओके डन, यही काम जो एंटरटेनमेंट वगैरह वाला है यही कर लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। मैशेबल IGN और टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट, नहीं, इसमें बेसिकली नाम ये शो करवाना, ठीक है, बस इसको शो करते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पर आगे यहाँ पर आगे लेबल ये और सोर्स बेसिकली वैल्यू एंटरटेनमेंट करते हैं, वैल्यू एंटरटेनमेंट, ओके। और इसको वहाँ पे मेंशन भी कर लें कि अच्छा मैंने करना क्या बैकएंड की API में, अगर कैटेगरी आई है तो ओके, और अगर सोर्स आया लेट्स से के सोर्स IGN आया तो नहीं, सोर्स जो आएगा वो एंटरटेनमेंट आएगा, या हाँ ठीक है, सोर्स ओके IGN ही रहने दो, IGN ओके, मूव ऑन। मैशेबल अच्छा, ये और ये और ABC News, बस ठीक है। अच्छा, बैकएंड में देख लेते हैं एज इट इज़, बस वो जो डाटा आ रहा है उसको आगे कर देते हैं और जो फिर भी आएगा। सोर्स हम पास कर रहे हैं, बस देखते हैं क्या होता है। डन, ये कर दिया, यहाँ पे आते हैं, ओके। सोर्स इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पे ABN न्यूज़, अच्छा ये जो है इसको इनवैलिडेट कर रहा है, ओके। इसका जो मैसेज है वो मैंने देखना है कि अच्छा मैसेज इसका कहाँ पे है, क्या है,
इसको फ्रंट एंड में आ जाओ और यहाँ पर हम सेलेक्ट की फील्ड में आ जाते हैं, सेलेक्ट, और इसको हमने कलेक्ट करना है। ये जो भी स्टेट में इशू आ रहा है कि ये क्यों इनवैलिडेट हो जाता है, इसको कलेक्ट करना है। यहाँ पे आ जाते हैं और ये ब्लर का इवेंट आ रहा है। ओके 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 अच्छा जी, ओके सही, ट्रू, श्योर, नहीं ठीक है, कोई तो मसले वाली बात नहीं। यहाँ पे एरर्स ले लो और वह टच पे ले लो, इस वैलिड ले लो, इन तीनों को कंसोल डॉट लॉग करवा लो और देख लो कि क्या सार है। इस वैलिड फॉल्स एरर में एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग रिसीव ऑब्जेक्ट। अच्छा कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑप्शंस ही हैं, तो इसमें से नहीं, कंसोल डॉट लॉग इसको देख लेते हैं। ये ठीक है, तो यहाँ पर डॉट वैल्यू सिंपल, ये आई सिलेक्ट ऑप्शन, ये लो ठीक है। वो ये सिलेक्ट जो है इसने ज़रा कहना कि ज़िंदगी थोड़ी सी खराब ही कर था, लेकिन एटलीस्ट चले अभी का लिए। और फिर से डॉट लॉग जो लगे हुए हैं उनको रिमूव कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लॉग्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। डीबगिंग की हद तक ठीक है, डन। अच्छा जी, ये हुआ, नेटवर्क में आए, क्लियर किया, सोर्स एबीसी न्यूज़ सेलेक्ट नहीं हो रहा। ओके मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ ताकि इसके एरर्स कम हो। सबसे तो पहले यहाँ पे आ जाओ, नहीं यहाँ पे आ जाओ, और इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लो और एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट सिलेक्ट, नहीं क्या था, कैटेगरी सेलेक्ट ऑप्शंस, ये अभी मैं इस पे वापस आता हूँ। और ये है आई सेलेक्ट ऑप्शन का अरे, ये यहाँ से भी कट की है और एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट सोर्स सिलेक्ट ऑप्शंस, आई सिलेक्ट ऑप्शन की अरे, और ये
और इसको क्या देते हैं, न्यूज़ कैटेगरी एंड न्यूज़ सोर्स, फुली क्लियर हो जाए। अब ये कह रहा है कि बस एक मिनट, अगर ये है तो न्यूज़ कैटेगरी ऑप्शन, अदरवाइज अगर ये है तो अदरवाइज ये, और सोर्स न्यूज़ सोर्स ऑप्शन यहाँ पे आ गए, ये हो सकता है अदरवाइज नल हो सकता है, तो यहाँ पे आ गए ये, यहाँ पे एम्प्टी अरे एक चीज। उसके बाद ये है, लेट्स से कॉन्स्ट अच्छा, रिफ्रेश ओके, वैल्यू सेट हो रही है लेकिन वैल्यू शो नहीं हो रही, तो मैं वापस आता हूँ। अच्छा, ये मैंने मैंने वैसे किया तो वैल्यू ही था, लेकिन शायद मैंने डाटा गलत कर लिया। ये वैल्यू है और ये अच्छा, अब जो वैल्यू है वो सेट तो हो रही है लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, जिसकी के वजह जो है कोई मसले वाली बात नहीं। अगर मैं इसको पूरी वैल्यू को असाइन कर देता हूँ तो वो सेट हो जाता है, और आगे ये जो एरर आ रहा है उसको हम दूसरे तरीके से रिजोल्व कर लेते हैं। और बेसिकली जब नहीं, इसकी वैल्यू को ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे वापस आए सर्च फिल्टर्स में और सेलेक्ट में, ये जो वैल्यू है लिटरली इसको मैनुअली कर लेना ज़्यादा बेहतर होना था, जितना इस पे टाइम लग चुका है। मैं अभी के लिए ये कर रहा हूँ कि वैल्यू और उसको दोनों को सेम कर रहा हूँ, ताकि अभी के लिए इसको ख़त्म करें और बाद में इसको IGN ये
और सिंपली बेसिकली एक हम फंक्शन ले लेते हैं, चैट जीपीटी से ही ले लेते हैं, टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन टू कन्वर्ट टू टाइटल केस। चलो जब तक ये लिख रहा है तब तक हम यहाँ पे आते हैं सेलेक्ट में और इसको कर देते हैं लेबल वैल्यू एंड वैल्यू। चलो जी, और लास्टली ये चीज़ फाइनलाइज हो गई है। इधर आके रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा, और ये मेरे ख्याल से हो चुका होगा अभी तक। टू टाइटल केस, इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे नहीं चलेगा अभी के लिए फिलहाल, इसको रन को बाद में देखते हैं। ये सही हो गया और ये भी सही हो गया, और अगर वैल्यू है तो ये काम हो, अदरवाइज नल हो जाए, डन। ताकि जब रिफ्रेश करें तो उसकी जो कैटेगरी ये शो हो सके। ये हो गया, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। और नेक्स्ट अब क्या करना है मैंने, नेक्स्ट बेसिकली इसको कंफर्म करना है कि ये बैकएंड में कॉल होता है कि नहीं। उससे पहले इसको बिजनेस केस में कन्वर्ट करना है। तो सर्च में आके उसका जो, ओके, वो भी करना ज़रा हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि लेबल है तो इसको टू टाइटल केस, ओके, यहाँ पे आके इससे कॉपी करें और हेल्पर्स में एक्सपोर्ट कॉन्स्ट दिस चला, कोई फर्क इसको पड़ा इससे। ठीक है, फिर इसको रहने दें, क्योंकि इसको रहने दें, दैट्स इट, इसको ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें, और इसी के साथ ये चीज़ फाइनलाइज। मेनली अब सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को देखना है कि ये बिजनेस सेलेक्ट किया, सबमिट किया तो कैटेगरी बिजनेस चली गई है, और ये चेक किया और सेंड किया तो ये बेसिकली इसने सोर्स जो था वो सेंड किया। और यहाँ पे एक चीज़ करना है, अलाउ क्लियर, यहाँ पे क्लियर, यस, इस क्लियर है मेनली सिर्फ इस वजह से था कि अगर इसको क्लियर करना है तो आप फ्रेश करते हैं तो फिर
फॉर्मिक ऑन रीसेट। अच्छा ओके अच्छा, इसके बजाय हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि नेविगेट की एपीआई को यूज़ करें और मेन राउट पे सिर्फ रीडायरेक्ट कर लें। ठीक है, इससे ये होगा कि एक तो वो राउट चेंज होगा और ये भी फेच भी हो जाएगा। डन है। ठीक हो गया। यहाँ पर एक चीज़ मैं फिर एक दफ़ा टेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये भी सोर्स करते हैं तो कुछ आर्टिकल्स नहीं आते। अच्छा जी, बैकएंड में आते हैं और इनको री इनेबल करते हैं। सेम अभी ये फिर कॉल करते हैं और अब की बार होपफुली कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आ जाएंगे। डन हो गया, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आ गए। रीसेट करते हैं। ये आर्टिकल्स आ गए हैं।
ओके, और कैटेगरी ठीक है, कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं बस। ओके, खाली टेबल ना शो, बाकी कोई इतना खास मसला नहीं। ओके, अब एक चीज़ मैंने ये देखनी है कि ये क्यूरी ना पहले कॉल हो चुकी थी, इसको दोबारा कॉल करते हैं तो। ओके, ये दोबारा कॉल ही हो रही है, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जो यूज़ गेट रिक्वेस्ट है बेसिकली उसका स्टेल टाइम भी ये नंबर ऑफ मिलीट सेकेंड्स हैं, तो 2 मिनट, लेट से 5 मिनट के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट में 6 सेकेंड और 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड। ओके, और ये हो गया, इसको करते हैं स्टेल टाइम, और ये अगर हुआ तो नंबर होगा और यहाँ पे अच्छा जी स्टेल टाइम यूज़ कर लो, अदरवाइज ये चीज़, तो ये ही करते हैं। ये हो गया, यहाँ पर इसके अलावा कुछ और चीज़ ज़रूरी है? कैशे टाइम भी होता था? नहीं, मेरे ख्याल से स्टेल टाइम बस, ठीक है। अच्छा, इसको ख़त्म करो, सेव, और इसका एक कांस्टेंट बना लेते हैं, रिएक्ट क्यूरी। स्टेल टाइम 5 मिनट, और इसको 0 ही रहने दो क्योंकि ये यूज़र की एपीआई है, इसको हर दफ़ा फेच करना ही ठीक है। ये वाली जो एपीआई है ये ऑथेंटिकेटेड एपीआई है और स्टेल टाइम इसका 5 मिनट है। अब देखें कि क्या फ़र्क पड़ता है। ये बेसिकली रिएक्ट क्यूरी का आपको यहाँ पे फ़ायदा है। अब एक तो ये इसने डाटा वगैरह फेच किया, ETC, इसको डाटा फेच कर लेने दो एक दफ़ा, ये हो गया। ये इसने एपीआई एक दफ़ा कॉल कर लिया जैसे ये एपीआई ख़त्म होती है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप ये एपीआई फ्रेश स्टेट में रहेगी। ये स्टेल है और ये ऑरेंज येलोइश का मतलब है स्टेल हो गई, मतलब कि इनवैलिड हो गया, डाटा दोबारा फेच करना पड़ेगा। ये फ्रेश है मतलब ये सही है। तो अगर मैं यहाँ से बिजनेस पे जाता हूँ तो एक दफ़ा ये फेच करेगी क्योंकि ये नई क्यूरी थी, इस पैरामीटर के साथ क्यूरी पहले एग्जिस्ट नहीं थी करती। अब मतलब कि इसमें इन पैरामीटर्स के साथ एग्जिस्ट नहीं थी करती, अब उसने फैच किया, उसको कर रही है, तो इसको इसने फैच किया। अब जब मैं एंटरटेनमेंट पे वापस आता हूँ, फैच करता हूँ, तो इसको अब की बार ये, ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ये बेसिकली क्योंकि हम यहाँ पर जब रीफैच की कॉल करते हैं तो ये मीन के ये हम कह रहे हैं कि ओके रीफैच कर ले, तो
हमें पता है हमसे ही कह रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गई, चलो एटलीस्ट ये मैंने कर दिया ताकि अगर ग्रंट कोई रनिंग रिक्वेस्ट हो तो वो फेल हो जाए नई रिक्वेस्ट आने से पहले। ठीक है, बस ठीक हो गया। ओके ठीक है, अभी के लिए मैं बस इसको यहीं पे फाइनलाइज कर दूँ। और रीसेट, ये हो गया। यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखी थी जो कि थी कैटेगरी के रिलेटेड। ये जो है सोर्स ये ठीक है, लेकिन जो कैटेगरी है उसमें बेसिकली थोड़ा सा हमने अपडेट करना था कि अगर कैटेगरी वो आती है एंटरटेनमेंट फ्रंट एंड से तो ये सेंड करना है, और अगर एंटरटेनमेंट आती है तो इसको ये सेंड करना है। तो ये सिर्फ चले इंप्लीमेंट कर देते हैं ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब ना वो बेहतर हो जाए। तो इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, और इसको इसका जो क्लोज वाला है वो ये अनकमेंट कर देते हैं, इस तरह आ जाते हैं। अब ओके, अब यहाँ पर इफ टू लोअर, यहाँ पे लोअर केस ओके str लोअर टू लोअर डन है, कैटेगरी कैटेगरी, और इसको बेसिकली ऊपर ही कर लेते हैं क्योंकि ये हमें ऑलमोस्ट लोअर ही यहाँ पे चाहिए। तो इसको सेंड करने से पहले ही कर लेते हैं, खैर ओके चलो ऊपर जाके कर लेते हैं इसको। यहाँ से निकाला, और यहाँ पे आ गए। अगर ये है तो इस चीज़ को str2 लोअर इस चीज में इसको कॉल कर लो, दैट्स इट। ये काम हो गया। और सर्च न्यूज आर्टिकल्स में ऑथर, ये पता नहीं कहाँ पे जाएगा। जब ये काम हो रहा हो और कैटेगरी इक्वल हो एंटरटेनमेंट के, फ्रंट एंड से हमारे पास क्या आएगा? एंटरटेनमेंट ये आएगा, तो तब हमने कुछ सेंड करना है इसको, एल्स अगर ये नहीं तो एल्स तीन एल्स ये, और इसमें देखने की जरूरत नहीं, फिर कैटेगरी सेंड कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है कैटेगरीज जो हैं API, अगर ये है तो ये रिटर्न कर दो। ओके, अगर स्पोर्ट है
तो ये रिटर्न कर दो। और अगर बिजनेस है तो ये रिटर्न कर दो। दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद सोर्स यूआरआई में आते हैं। सोर्स यूआरआई, वो मेरे ख्याल से मैंने यूआरआई ही नहीं, यूआरआई नहीं सेव किया। तो यूआरआई अगर कुछ हो इसमें, कॉमा सेपरेटेड मेरे ख्याल से यूआरआई है, नहीं ओके, मल्टीपल पास करने से वो होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर ये है तो ये पास करें और ये भी पास कर दें। सिंपल। बेसिकली फ्रंट एंड में किया गया, फ्रंट एंड में IGN इधर उधर दो तीन सोर्स थी हैं, तो उसको बस उसके ABC नहीं, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। ये सोर्स है और इसको पास कैसे करना है, सोर्सेस में पास करना है। यहाँ पर जो सोर्स है वो एज इट इज़ पास, वो ठीक है, मैं इस चीज़ को सही तरह पास करूँ। अच्छा, इस चीज़ में बस ठीक है, इसको यहीं पे फाइनलाइज कर दें। और एक दफ़ा कैटेगरी बस सर्च करके देख लेते हैं, एंटरटेनमेंट सर्च। ओके, एटलीस्ट कुछ डाटा शो हो रहा है, बस ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट, अब हम मूव ऑन करेंगे और यह न्यूज़ फीड का जो पेज है उसको फाइनलाइज करवाएंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.